हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरा चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने नया रेसिपी के साथ आ गए हूँ। आज का जो रेसिपी है इडली है। इडली बोले तो आप लोग नाराज़ हो जा रहे होंगे, इडली बोले तो वैसा इडली नहीं है, नारियल का इडली है। मैं कैसा बनाया आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, देखने से तो बहुत अच्छा दिख रहा है और देखते ही खाने का दिल हो रहा है। ये मैं नारियल का छल से बनाया है। कैसा बनाया आप लोगों को बताती हूँ। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पूरा नारियल को निकाल दिया है, क्लीन कर चुकी हूँ इसको। मैं पीछे और अंदर भी बहुत क्लीन कर चुकी हूँ। इसके अंदर अभी बैटर डालते हैं। मैं बैटर को रात में ही रेडी करके रख लिया है। रेडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं करना, बल्कि रात से रेडी करके रख लिया है। यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, हम लोग जो दोसा का है उसी से इडली बनाते हैं। चावल और उड़द दाल भिगो के रात में मिक्स करके रख लेते हैं, वही दोसे डाल देते हैं, वही इडली का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक कोकोनट शेल लिया है और यहाँ पे आम का अचार लिया है। आप लोग कौन सा भी अचार ले सकते हैं, नहीं तो आलू का मिश्रण भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं अचार से बना रही हूँ। बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी भी रहेगा। मैं यहाँ पे 2 स्पून पहले बैटर डाल चुकी हूँ, उसमें मैं आम का अचार डालती हूँ। देखिए, आम का अचार डाल के उसके ऊपर से और 2 स्पून इडली का आटा डालती हूँ। देखिए, ये बड़ा शेल है इसलिए मैं 4 स्पून डाला है। फुल नहीं डालना है क्योंकि ये फुल के ऊपर आता है, इसको थोड़ा 1 इंच उतना कम रखना है। और एक मैं कप में भी डाल के बताती हूँ। कप में ऑलरेडी मैं थोड़ा सा तेल अप्लाई कर चुकी हूँ। इसमें मैं 1 स्पून इडली का बैटर डाला है और बचा से थोड़ा सा आम का अचार भी डाल रही हूँ। डाल के इसके ऊपर और 1 स्पून डालती हूँ। और यहाँ पे आप, मैंने कप लिया है, आप लोग चाहिए तो हम टी पीते हैं वो ग्लास भी ले सकते हैं, नहीं तो हम पानी पीने का ग्लास भी ले सकते हैं। सेम इसी तरह से करना है। और 1 स्पून डाल चुकी हूँ। डाल के मैं अभी इडली कुकर में इसको सेट करके लगा देती हूँ। ऑलरेडी मैं इडली कुकर गैस पर लगा चुकी हूँ। इडली कुकर में इसको सेट कर चुकी हूँ मैं। इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है। 12 मिनट हो चुका है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। देखने से तो पक गए जैसा दिख रहा है, मगर फिर भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ओपन करते हैं, पूरा स्टीम बाहर आ चुका है। मैं यहाँ से चाकू से चेक कर रही हूँ, आप टूथपिक से चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये पक गया है। देखिए, मैं चाकू यहाँ पे दबा के देखे तो बिल्कुल लगा नहीं है। इसका मतलब 12 मिनट में, करेक्ट 12 मिनट में पक चुका है। लो फ्लेम में पकाया है मैंने। अभी मैं सर्व करके बताते हैं ये कैसा बना। ये तो एकदम परफेक्ट आ चुका है। मैं चाकू से ऐसा करते पूरा बाहर निकल के आ जा रहा है। देखिए, 1 राउंड किया है मैं चाकू से तो ये बाहर आ रहा है, मतलब परफेक्ट पक चुका है। इसे बाहर निकाल के बताती हूँ आप लोगों को। देखिए, बहुत अच्छा पक चुका है, देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम परफेक्ट पक चुका है ये। अभी मैं इसको प्लेट में लगा देती हूँ। कोकोनट शेल का तो मैं प्लेट में लगा दे चुकी हूँ, वैसे ही जो कप में लगाया है उसी को बताती हूँ मैं। देखिए, कप में रखे से भी एकदम परफेक्ट बन चुका है। दो भी एकदम करेक्ट 12 मिनट हुआ है, 12 मिनट के अंदर पक चुका है। इसमें तो ऑलरेडी चटनी है, अभी इसके साथ हम सांभर ले लेते हैं। देखिए, मैंने सांभर रख दिया है। सांभर और इडली का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। मैं इसके ऊपर से सांभर डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, अभी डालते वक्त ही खाने का दिल लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है सांभर पूरा। मैं ये कोकोनट शेल इडली के ऊपर डाल देती हूँ। डाल के बताते हैं, ये कट करने के बाद बताती हूँ कैसा बना है। देखिए, मैं कट कर रही हूँ, कट करके बताती हूँ। ओह, बहुत अच्छा दिख रहा है, परफेक्ट आ चुका है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।